रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है उसकी तरफ रुक करेंगे। सबसे पहले यूपीएससी 2017 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, जहां पर सोनीपत की अनु कुमारी ने दूसरा रैंक हासिल किया है। अभी कुछ ही देर पहले जनता टीवी ने अनु कुमारी से बातचीत की थी, जिसमें अनु ने बताया कि उन्होंने प्राइवेट जॉब पहले की, फिर उसे छोड़कर यूपीएससी की तैयारी की। उनके मन में एक सेटिस्फेक्शन नहीं था। इसी के साथ साथ अनु ने आगे के प्लान्स के बारे में हमसे अपनी बातें शेयर की। उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हैं। इसी के साथ साथ अनु ने ये बात भी शेयर की कि रुकावटें उनकी पढ़ाई में भी आई थी, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। अनु के घर की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव फुटेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से अनु के घर में इस वक्त खुशियों का माहौल है। आपको सुना दें कि इस वक्त जो माहौल है उस पर अनु का तो क्या कहना है, वो हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। इसी के साथ साथ अनु की माता का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। और हम सब की दवा इसके साथ है। इतना छोटा बेटा छोड़कर वहाँ मौसी के घर पर बैठ कर पड़ी है, कोई दिल्ली नहीं गई कुछ नहीं। किस तरह का सहयोग आपकी तरफ से मिला और पति आपकी तरफ से कितना सहयोग मिला इनको पढ़ाई में? हमने तो अपनी तरफ से पूरा हो किया बेटा। तो आईएएस बनी है, अब क्या आप अपनी बेटी को क्या किस तरह से देख रहे हैं आप? हम तो बहुत भगवान की दया था, ये बनेगी बेटा और अच्छा आगे भी ईमानदारी से पर जो भी इसका काम था देश की सेवा करे। बहुत अच्छी महसूस होगी, इनफैक्ट अभी एक सपने जैसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये रियलिटी है। और यूपीएससी की आईएएस बनने की प्रेरणा मेरे लिए काफ़ी लेट ही शुरू हुई। ये मैंने 9 साल पहले प्राइवेट सेक्टर में जॉब की है सर, तो अभी मुझे कुछ समय से ऐसा लगने लगा था कि अगर मैं अपनी बची हुई ज़िंदगी भी ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती रही तो वहाँ पैसा तो मिलेगा लेकिन कहीं आंतरिक संतुष्टि नहीं थी, इंटरनल सेटिस्फेक्शन वॉज मिसिंग। तो सर इसलिए मैंने सोचा कि हाँ मैं भी प्राइवेट सेक्टर की जॉब छोड़ती और मैं प्रशासन की ओर जाना चाहती हूँ, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन किया। तो किस तरह का परिया नौकरी छोड़ के परिवार का किस तरह का एक वो मिला सहयोग, और क्या हरियाणा की बेटियों को क्या कहना चाहेंगे? एक पहले मानुषी छिल्लर और अब आप एक आईएएस की पहले नंबर पे हरियाणा में आए हैं। सर ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, मेरे हरियाणा के लिए भी गर्व की बात है कि हरियाणा की बेटियाँ इसका नाम रोशन कर रही हैं। हरियाणा को एक पेट्रियार्कल सोसाइटी माना जाता है, लेकिन सर मुझे लग रहा है कि आज के दिन चेंज इज विजिबल और चेंज हो रहा है और लड़कियों को पूरा पूरा मौका दिया जा रहा है। मैं ये भी कहना चाहूँगी और अनुरोध करना चाहूँगी अपने पूरे हरियाणा वासियों से कि आप भी अपनी बेटियों को पढ़ाएँ लिखाएँ, स्पोर्ट्स में, एकेडमिक्स में, हर जगह उन्हें आगे जाने का मौका दें।